हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनने वाली खड़े मसूर की दाल और ज़ीरा राइस की रेसिपी। खड़े मसूर की दाल जो बहुत कम सामान में बहुत ही झटपट से बहुत ही टेस्टी बनती है, और ज़ीरा राइस, खिले खिले चावल हम किस तरीके से बना सकते हैं जल्दी से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ले ली थी एक कटोरी दाल, और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। एक बड़ा चम्मच मैंने भर के डाल दिया है इसमें ऑयल का। आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी राई, और एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। और जब ज़ीरा और राई कड़कने लगेंगे, जब तक हमें इसको फ्राई करना है। अब ये राई और ज़ीरा चटकने लगा है, अब मैं इसमें डाल दूंगी एक मीडियम साइज़ की प्याज। इसको मैंने चौकोर कट कर लिया है। इसको अब हम प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। ये प्याज हमारी गोल्डन होनी शुरू हो गई है, सॉफ्ट भी हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हम साथ में पानी डाल देंगे ताकि मिर्च जले नहीं। आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा इसको भून लेंगे हम। देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी दो मीडियम साइज़ के टमाटर, मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। टमाटर आप दो से तीन डाल सकते हैं, क्योंकि टमाटर से टेस्ट अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और मसाले के साथ अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी दाल जो मैंने ये भिगोई हुई थी। अब हम मसाले में एक दो मिनट इसको भून लेंगे दाल को। एकदम हमें पानी नहीं डालना है, वरना टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। इसको हमने एक दो मिनट भून लिया है मसाले के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ये मैंने दो तीन ग्लास पानी डाल दिया है। अब हम इसको पहले एक लगाएंगे सीटी, फिर प्रेशर में ही हम इसको आधे घंटे के लिए पंद्रह से बीस मिनट तक के लिए हम इसको पकाएंगे। तो जी ये देखिए, ये हमने पंद्रह बीस मिनट के बाद कुकर को खोल दिया है। इसका प्रेशर निकलने के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये गल गई है। अब हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे। चमचे से हम इस तरह से कर लेंगे, इससे ये अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी। साबुत साबुत ये अच्छी नहीं लगती, थोड़ी ये घुली हुई ही अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से कवगीर से मैश किया। आपके पास राई हो तो आप राई से भी इसको घोट सकते हैं, और पानी आप जितना इसको थिक रखना चाहें उतना आप इसमें पानी डाल सकते हैं। पानी गर्म करके डालिएगा, और अगर आप गाढ़ी रखना चाहते हैं तो आप पानी ना डालें, और अगर गाढ़ी रखनी है तो आप इसको खुशक कर सकते हैं गैस के ऊपर। अब हम इसको साइड में रख देंगे और गैस बंद करके, और हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। ये मैंने फ्राई पैन ले लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा देसी घी। अगर आप चाहें तो नॉर्मल वनस्पति घी भी ले सकते हैं,
लेकिन बस यह है देसी घी से इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है, एनहेंस होता है। अब मैं डाल दूंगी, ये मैंने 4-5 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक कट कर लिया है, बारीक ही कट करिएगा। जब ये फ्राई होती हैं तो इसका करारा करारा ये अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं दाल के साथ। अगर आप मोटी काट के डालेंगे तो ये थोड़ी खाने में पिलपिली सी अंदर से अच्छी नहीं लगती। ये गोल्डन फ्राई होने लगे हैं, अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ये डाल दूंगी मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसको हमें फौरन से ही डाल देना है दाल में। आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूंगी आमचूर पाउडर, थोड़ी सी मैं डाल दूंगी इसमें कसूरी मेथी, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे। अब हम दाल को रख देंगे एक साइड में और हम तैयार करेंगे अब जीरे के चावल। तो थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इसमें ऑयल, ये ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैं डाल दूंगी आधा चम्मच जीरा। जीरा कड़कने लगा है, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। प्लेट को इस तरीके से रख के डालिएगा पानी, वरना छींटे आ सकती हैं। ये मैंने बासमती चावल भिगो के रखे थे 15-20 मिनट, ये मैं डाल दूंगी, आप कोई से भी क्वालिटी के चावल ले सकते हैं। और ये मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, अब हम इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे। पानी हमें इतना डालना है कि हमारी जो उंगली का ये पोरा होता है यहाँ से यहाँ तक, बस ये डूब जाए। अब हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच नमक। नमक जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो हम टेस्ट कर लेंगे, अगर कम होगा तो हम और डालेंगे। हम इसको ढक देंगे, जब बॉईल आएगा इसके अंदर तो हम इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। अब हम चावल खोल के देख लेंगे, नमक हम टेस्ट कर लेंगे इसका। नमक बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं और नहीं डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। अब हम पानी खुशक होने तक इसको पका लेंगे। अब हम चावल को खोल के देख लेंगे, आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं ये। इसको हम अब चेक कर लेंगे, ये देखिए चावल गल गए हैं, लेकिन 1% अभी इसमें मुझे थोड़ी सी कनी लग रही है, तो इसको हम दम पे रख देंगे। दम का मतलब होता है हल्की गैस पर हम इसे कपड़ा लगाकर रख देंगे। इस तरीके से हम इस पे दम लगा देंगे। 5 मिनट हमें हल्की गैस पर इसको पकाना है। 5 मिनट हो गए हैं चावलों को पकते हुए, अब हम खोल कर देख लेंगे इसे। तो चावल बिल्कुल रेडी हैं बनकर, देखिए कैसे खिले खिले चावल बने हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे।
अब हम हरे धनिए से कर देंगे इसको गार्निश। तो जी आप देख सकते हैं ये हमारे मज़ेदार से दाल और खड़े मसूर की दाल और चावल बनके रेडी हैं, कितने यम्मी लग रहे हैं। और यकीन मानिए खाने में भी ये बहुत टेस्टी होते हैं, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चावल भी आप देख सकते हैं कितने खिले खिले बने हैं, ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं। और इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इसको बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी वीडियो को आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।